जन बोल न्यूज प्रस्तुत करता है द कैंपस गूंज। नमस्कार, मैं जन बोल न्यूज के लिए समझ आता। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो चुका है और इसके परिणाम भी आ गए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव आमिर रजा। आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। कितनी चुनौतियाँ रही कैंपेनिंग के दौरान इस तरीके की? कैंपेनिंग में तो बहुत चुनौतियाँ देखने मिली और इस चुनौतियों को मैं आगे जीता हुआ अपने जीत हासिल किया है। आप जो जीत चुके हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त सचिव बन गए हैं, कौन से कार्यों के प्रति आपकी प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले तो फोकस में कोर्स किया पटना विकास कॉलेज सबसे पहले कोई भी कोर्स का मतलब एक लाख से नीचे नहीं है। ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबके मतलब काम करें इस पर। जितना भी यहाँ पे संबंधित है उसका काम करें। किस चीज़ में पप्पू यादव का कितना योगदान रहा? यादव का योगदान बहुत माना जाए। हाल फिलहाल पटना में बाढ़ आई थी बारिश की वजह से, उसमें देखे थे पप्पू यादव कितना मदद किए थे पटना में के वासियों को और हम लोग भी उसमें मिलकर पूरा मदद किए थे और चुनाव में भी इसका असर देखा गया था। क्या लगता है जो अलग अलग संगठन के लोग इस फाइनल में जीत करके आए हैं, आप कैसे कार्य कर पाएंगे सबके साथ समन्वय में बनाकर? हाँ, समन्वय में बना के काम करना होगा। जितने भी पैनल, मेरे दो पैनल जीते हैं, प्रेसिडेंट पैनल और मैंने खुद ग्रैंड सेक्रेटरी पैनल में जीता हूँ और तीन अदर पैनल हैं और मैं सब मिल के साथ काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों को क्या कहना चाहूँगा? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय के छात्र को ही मैसेज करना चाहूँगा कि मैं जीत के आप लोगों पर विश्वास किए, मैं आप लोगों को खड़ा उतरा और काम करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर।